कलम विशेष के इस वर्चुअल सत्र में मैं डॉक्टर गरिमा तिवारी, प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास विमल की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह कोरोना का समय चल रहा है और हम इस बहुत ही खतरनाक वेव से अभी गुजरे हुए हैं, और इसी के चलते प्रभा खेतान फाउंडेशन ने अभी अपनी सारी गतिविधियों को आभासी रूप दे के रखा हुआ है और साथ ही वैक्सीनेशन भी लग रही है। फिर भी हम पूरी तरह से इस खतरे से बाहर नहीं है, इसलिए हमें अभी और भी सतर्कता बरतनी है और कोरोना के नियमों का पालन करना है। मुझे यह बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि कला, शब्द, साहित्य, संस्कृति और महिलाओं को मजबूती दिलाने की के लिए प्रभा खेतान फाउंडेशन की मुहिम अब भारत सहित दुनिया के 30 से अधिक देशों, शहरों तक पहुंच चुकी है। अपनी भाषा, अपनी लोक वह मौलिक विचार है जिसे बढ़ावा देने के लिए फाउंडेशन कलम नामक कार्यक्रम के अलावा एक मुलाकात विशेष, लव्स आखर, पोथी, सूर और साज, द राइट सर्कल और किताब जैसे कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन कार्यक्रमों का मकसद अपने सम्मानित लेखकों, कलाकारों और उनके प्रेमी पाठकों और प्रशंसकों से मिलवाना है। हम इन्हें एक ऐसा मंच मुहैया कराते हैं जहां वे एक दूसरे से सीधे जुड़ सकें, बातें कर सकें और संवाद कर सकें। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि कलम विशेष के इस वर्चुअल सत्र में आज हमारे साथ हिंदी में जासूसी और अपराध कथा लेखन का सबसे प्रशंसित नाम सुरेंद्र मोहन पाठक मौजूद है। पाठक जी ने हाल में ही अपने लेखकी सफर के 60 साल पूरे किए हैं। आप भारत में लोकप्रिय साहित्य के ध्वजवाहक हैं। आपकी पहली कहानी 57 साल पुराना आदमी वर्ष 1959 में मनोहर कहानियों में प्रकाशित हुई थी, जबकि आपका पहला उपन्यास पुराने गुनाह नए गुनाहगार 1963 में प्रकाशित हुआ था। आपने अब तक 275 से अधिक उपन्यास, 45 से अधिक कहानी संकलन और 26 चुटकुले पुस्तकें लिखी हैं। आपकी कुछ बेस्ट सेलिंग पुस्तकों का अनुवाद अंग्रेजी और गुजराती में भी हुआ है। आपकी पुस्तकें अब मोबाइल, टैबलेट, किंडल और ऑडियो के रूप में भी उपलब्ध है। आपकी सुधीर सीरीज की पुस्तक 5 दिन पेंगुइन से प्रकाशनाधीन है। इसलिए अब बिना वक्त जाया किए मैं आगे की बातचीत के लिए सीधे चलती हूँ एहसास विमल पटना की अपनी सहयोगी अन्विता प्रधान जी के पास। तो अब आप सुकून से बैठिए और इस सत्र का आनंद उठाइए। स्वागत है सुरेंद्र मोहन पाठक जी और अन्विता प्रधान जी आपका। अन्विता जी, अब यह मंच हमारे। धन्यवाद गरिमा। सुरेंद्र मोहन जी, आपका कलम विशेष कि इस श्रृंखला में स्वागत है। जैसा कि गरिमा ने इंट्रोडक्शन में कहा, आप उन चुनिंदा लेखकों में से हैं जिन्हें पाठक 3 जनरेशन से पढ़ रहे हैं। 300 से अधिक कहानियां, उपन्यास प्रकाशित हुई हैं। कुछ उपन्यास के 22 एडिशन तक प्रकाशित हुई हैं। लाखों में किताब लिखी है। ऐसा भी वक्त था जब उपन्यास का पहला प्रिंट ऑर्डर 50,000 प्रतियों का होता था। आपसे पहला सवाल है कि बचपन में आप किस तरह की किताब पढ़ते थे और जासूसी कहानी लिखने का प्रोत्साहन कहाँ से मिला? देखो जी, ये जो आपका सवाल है, मैं किस तरह की किताब पढ़ता था, तो उसके बारे में ये है कि मैं जब छोटा था तो बुक की अवेलेबिलिटी किसी भी लिहाज से कोई बड़ी मजबूत नहीं थी, बहुत कम थी। पढ़ने लिखने का इस टाइप का रिवाज ही नहीं था। जहाँ हम रहते थे वहाँ 150 घरों में एक में तो अखबार आता था। किताब की शक्ल कहाँ से दिखाई दे, किसी पब्लिक सर म्यूनिसपैलिटी के किसी लाइब्रेरी से कहीं से कोई किताब मुहैया करे, या किसी के पास कोर्स में कोई नावल लगा हुआ था तो वही पढ़ने को मिलता था। तो अपनी कोई चॉइस तो थी नहीं। तब ये होता था जो हाथ में आए पढ़ लो। उर्दू भी पढ़ता था मैं, मेरे मामा के पास उर्दू के कुछ नावल होते थे, मैंने सारे पढ़े। हिंदी का ज्यादा जोर था लेकिन उपलब्ध नहीं होते थे, कोई सोर्स नहीं था। फिर एक सोर्स वाले फ्रेंड बने तो थोड़ा सा उनसे साथ शेयर करके कुछ पढ़ना लिखना शुरू किया, लेकिन चॉइस से नहीं पढ़ा, जो हाथ आ जाए। अच्छा लगता है तो
अब जरा दिलचस्पी से पढ़ते थे, खराब लगता था तो बीच में छोड़ देते थे। पहले ये सोच के नहीं पढ़ते थे कि ये मैंने जरूर पढ़ना है या ये मेरे नहीं, मेरी समझ में बाहर है, मेरे से ये नहीं था। मिस्ट्री नावल जो थे उन दिनों छपते थे जो, वो बहुत छोटे होते थे, 100-110 पेज का नावल होता था, बहुत खुला खुला छपा, आधे घंटे में बंदा चाहे तो उसको पढ़ लेता था। तो उसमें दिल लगता था बहुत, क्योंकि वो नावल होता ही नहीं था, लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी होती थी, इतना ही मैटर होता था। आजकल जैसे नावल छपते हैं उसमें, वो जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ 1952-53 की, उतने में 5 नावल बन जाए। तो उनकी अवेलेबिलिटी लैंडिंग लाइब्रेरी थे, चोरी छुपे पढ़ लेते थे, आधा घंटा लगता था, घर में माँ बाप की नजरों से इधर उधर हो जाए तो कहीं से पढ़ के वापस घर आते थे, पकड़े जाते थे तो दुर्गत होती थी, मार भी पड़ती थी, किताब फाड़ देते थे। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि भाई जैसे आजकल है कि अपनी पसंद की किताबें स्टॉक करके रखी जाती है, उनमें से कोई निकालते हैं पढ़ते, ये नहीं था। अवेलेबिलिटी वाज वेरी ब्लिंक वेरी ब्लिंक, पर मिल जाए तो गरीब समझो। मेरी एक कजन थी मेरे से बड़ी, उसके कोर्स में निराला जी का नावल निरुपमा लगा हुआ था, मैंने लाइफ में पहली बार कोई नावल वही पढ़ा था, बहुत पसंद आया मेरे को। तो उससे पता किया भी कौन राइटर है कैसे हैं, तो पता लगा भाई बड़े बड़े साहित्यकार हैं, कोर्स में पढ़ाए जाते हैं, तुम्हारे बस का नहीं है इन्हें समझना। तो मैं भाई मैंने अनुपमा भी तो पढ़ के समझा ही है, बाकी भी पढ़ लूंगा। तो मिलते ही नहीं थे। बड़े हुए तो लाइब्रेरी से लाने लग गए, तब तक कुछ छोटी मोटी इजाजत होगी, लेकिन चॉइस से तो बहुत लेट। मैं नहीं बस 40 तभी मैं पढ़ सकता था, चॉइस से पहले अवेलेबिलिटी से था। और जासूसी यस यस आप कुछ कह रहे थे मोहन जी? जी आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जो मेरे साथ था ये अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम, कैसे पढ़े, ये सिनेमा तो नहीं है ना कि टिकट लेके बैठ जाएं और देख के ही आएं, किताब तो किताब की जगह से ही मिली थी। तो मेरे बाकी भी ऐसे लोग जिनको पढ़ने लिखने में दिलचस्पी थी, उनकी भी यही प्रॉब्लम थी। चलता था, आपस में एक्सचेंज कर लेते थे या कहीं से कुछ पता लगे। इतनी फिर वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं होते थे कि नई किताब ही खरीदो, नई किताब आज भी महंगी है, पहले भी महंगी थी, तो दिक्कत से ही पढ़ लिख लेते थे। वो तो जैसे मैंने पहले कहा, काफी अधेड़ावस्था में पहुंच के अपनी चॉइस बनी थी कि किताब खरीद के ले आओ, ना पढ़ो बेशक, पढ़ो या ना पढ़ो, बारी आएगी तो पढ़ लेंगे। देखो ना, आप 10 किताब इकट्ठी लाओगे तो 10वीं की बारी तो फिर देर से ही आएगी ना, उस वजह से उतनी देर में और आ जाती थी तो कुछ रह ही जाती थी, कहीं का याद ही नहीं आता था भी ये भी है मेरे पास, पढ़नी है। लेकिन अब नहीं है वो बात, पहले दिक्कत थी। सिनेमा इजी था, बुक मुश्किल थी। जी, आपने ग्रेजुएशन साइंस में किया, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैथ्स था, तो आपने जासूसी कहानी लिखना कैसे शुरू किया? क्योंकि जासूसी कहानी में एक ऑरा है, थ्रिल है, ये सब कॉम्प्लेक्स चीजों को इतनी आसानी से आपने कैसे क्रिएट करके लिखा? इसके बारे में मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जासूसी क्या, बेसिकली तो मैं कैसा भी लिखने के लिए इक्विप्ड नहीं था, ना मेरी अंग्रेजी भाषा थी पढ़ाई में, ना हिंदी भाषा थी। हायर सेकेंडरी के बाद मैं इस कॉलेज में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ता था, पोस्ट ग्रेजुएशन में सिर्फ मैथ पढ़ता था, मेरी लैंग्वेज तो मेरी कोर्स में कभी थी ही नहीं। तो हिंदी में तो थोड़ा बहुत जैसा भी सिलसिला था, उर्दू से तो तालीम शुरू हुई थी इसलिए आती थी, मैं लाहौर में 3 जमातें पढ़ा था उर्दू, फिर वो मीडियम बदल गया, आज़ाद हिंदुस्तान में हिंदी की पूछ होने लगी। तो लेकिन अब मैं कहूँ कि भी जैसे साहित्यकार लच्छेदार भाषा लिखते हैं, सजा के फ्रेजोलॉजी बनाते हैं, ऐसा तो नहीं था पॉसिबल, ऐसा तो मैं आज भी नहीं लिख पाता क्योंकि मेरा हिंदी का ज्ञान इम्पेकेबल नहीं है।
मेरा किसी भी लैंग्वेज का ज्ञान इम्पेक्टेबल नहीं है। थोड़ी पंजाबी आती है, थोड़ी इंग्लिश आती है, थोड़ी हिंदी आती है, थोड़ी उर्दू आती है, तो मैं इन सबका एक मजबूआ बना के मैंने एक अपनी जुबान शुरू कर ली है जो लोगों को पसंद आती है। मैंने किसी भी भाषा का लफज हो उनको जच जाता है। मेरी राइटिंग तो ऐसे है कि वो क्या कहते हैं, वो वर्ड जो है वो किसी और लैंग्वेज साथ है होता है, और उसके साथ जो विशेषण लगता है वो किसी दूसरी लैंग्वेज का होता है। लेकिन पहले ये सारी बातें लेखन के नुक्स माने जाते थे, लेकिन अब नहीं माने जाते। अब तो ये है कि आपकी लिखने में रवानगी होनी चाहिए और कहानी में दम होना चाहिए। बाकी भाषा तो खूंटी है जिसपे आप अपनी कहानी टांगते हो, ये बिल्कुल ही वो अकेडमिक लैंग्वेज जिसको कहने हैं, उसको लिखता तो मैं इतना लंबा सरवाइव नहीं कर सकता। वक्त के साथ सब कुछ बदलते हैं, लोगों के पसंद नापसंद बदलते हैं, रिवाज बदलते हैं, दुनियादारी बदलती है, तो जुबान ने भी तो फिर बदलना ही है ना। हम पंजाब से आए, हमें पंजाबी के सिवाय कोई भाषा नहीं आती थी, मजबूरी में दिल्ली आना पड़ा तो हिंदी सीखनी पड़ी ना। फिर बाद में और दौर आया कि हिंदी ही बोलते थे, पंजाबी कोई बोलता ही नहीं था। तो ऐसे जैसे जैसे माहौल होता है उसके हिसाब से राइटर अपने आप को ना ढाले तो वो ड्यूरेबल नहीं बन सकता। हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम की पसंद नापसंद पर निगाह रखनी पड़ती है। जो कुछ मैं 1963 में लिखता था वो जरूरी नहीं है कि 2000 में भी पसंद आए लोगों को, या 2070 में लिखता था वो 2010 में पसंद आए। इसमें ऐसे रीडर की राय को इम्पोर्टेंस देना मैंने सीखा कि रीडर तो हर वक्त बदलता है। किसी के फादर पढ़ते थे, आगे बेटा पढ़ता है, आगे पोता पढ़ता है, तो वो मुझे एजुकेट कर सकते हैं भी आजकल क्या पसंद आता है। तो मैं रीडर की राय पर बहुत जोर देता हूँ, उससे मुझे यह पता लगता है कि कौन सी टाइप मेरे को छोड़ देनी चाहिए और किस पे मेरे को फोकस बनाना चाहिए। तो यही वजह है कि इतना लंबी इनिंग मेरे स्वयं और किसी राइटर की कि नहीं हुई। हाँ, हिंदी में नहीं हुई और भाषाओं की नहीं। और अभी तो आपकी मेहरबानी हुई तो और आगे बढ़ेगी। जी जी, क्राइम नॉवेल जब आप लिखते हैं सर, तो उसमें पहले आप प्लॉट के बारे में सोच लेते हैं और फिर लिखना शुरू करते हैं, कैसे लिखते हैं? हाँ, बेसिक्स तो बनाने पड़ते हैं ना, उसके बिना लिखना कैसे चलेगा कोई। जी, बेसिक्स जी, बनाने पड़ते हैं ना। जो मैंने लिखना है उसका एक मोटा सा खाका तो मेरे सामने होना चाहिए ना, ये तो कैसे लिखूंगा इतनी लंबी कहानी बनानी होती है। देखो, मिस्ट्री स्टोरी राइटिंग में एक भेद है, जो नॉर्मल राइटिंग होती है ना वो शुरू से आखिर की तरफ चलती है। आप समझ रही हैं? लेकिन यही सवाल पूछ रहे थे आप। जो मिस्ट्री बुक है वो आखिर से शुरू की तरफ चलती है। पहले आपको ये सोचना पड़ता है कि आपका एंड कैसा होगा। जब आपको एंड सूझ जाता है कि इस कहानी का क्लाइमेक्स मैंने ये बनाना है, तो फिर उससे बैक में आते आते बाकी बातें अपने आप सूझ जाती है कि इसमें कितने किरदार हो, कैरेक्टर्स होने चाहिए, कितने मेल हो, कितने फीमेल हो, किस किस पर आपको शक के दायरे में रखना है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग ड्रिल है, मेरे को उसकी आदत है। बाकी जनों को हो सकता है अजीब लगे। दूसरे जो बाकी टाइप का लेखन होता है ना, उसमें राइटर ये परवाह करके नहीं लिखता कि ये पढ़ने वाले को पसंद आएगा या नहीं, रोचक लगेगा या नहीं। उसने अपने हिसाब से अपनी काबिलियत के मुताबिक जो उसे भाता है, सुहाता है, उसने वो लिखना है। हम ये हमारे लिए नहीं है, ये लग्जरी है हमारे लिए। हमने तो वो लिखना है जो हमारा रीडर अप्रूव करे। रीडर अप्रूव करता है इमीडिएट टेक ऑफ ऑफ दिस स्टोरी, पहले दो पेज में कहानी रफ्तार पकड़ ले। रीडर अप्रूव करता है लिवली कैरेक्टर्स, रीडर अप्रूव करता है थ्रिलिंग क्लाइमेक्स, रीडर अप्रूव करता है इंटरेस्टिंग डायलॉग्स। तो इन सारी बातों पर निगाह रख के जो एंड रिजल्ट पेश आता है वो रीडर की पसंद का होता है।
हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपनी मर्जी से मनमानी करें, रीडर को पसंद आ जाए तो ठीक है, नहीं भी पसंद आएगा तो अगली बार देखेंगे, ये नहीं हो सकता। हर बार इम्तिहान है, हर बार पास होके दिखाना है, इसलिए रीडर की पसंद तो को अहमियत देने दिए बिना राइटर फिर लंबा नहीं चल सकता। रीडर अप्रूवल पे एक एक बात पूछनी थी कि आपकी जो विमल सीरीज है उसका जो हीरो है वो जैसे भागा कैदी है, वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, वो एक मुजरिम है और उसको आपने हीरो बना दिया, तो इतना बड़ा रिस्क आपने कैसे लिया? बिकॉज आप अभी कह रहे हैं कि रीडर अप्रूवल जरूरी है और आपने एक तो, मुजरिम को अपना हीरो बना दिया विमल सीरीज में। मैं बताता हूं। जी की अप्रूवल नहीं हासिल थे उसमें, नहीं हासिल थे जो वो जो मैंने ये जब विमल शुरू में लिखा था ये टोटली रिजेक्ट कर दिया था, रीडर ने भी, पब्लिशर ने भी, प्रकाशक ने भी। दो नॉवल छपे, रीडर भी तौबा कर ली, रीडर्स ने भी और पब्लिशर ने भी दो टूक मेरे को बोल दिया मैं ये नहीं छापूंगा। हाँ तो इतने विरोध के बावजूद मैंने इसे चलाया और वो ना रीडर की पसंद पे खरा उतरा ना प्रकाशक ने मंजूर किया, तो तीसरा नावल छपवाने में मुझे 5 साल लगे, 5 साल विमल का तीसरा नावल। उसके बाद जब चौथा छपा, किसी किस्मत से छप गया किसी तरह, उसके बाद फिर बहुत चला। जी कई एडिशन हुए, हर किसी की पसंद बन गया। इसका मतलब कि आप हार नहीं माने, आप लगे रहे और 5 साल बाद आपने वो फिर से प्रकाशित किया विमल सीरीज। मेरा दिल कहता था कि ये स्टीरियोटाइप करेक्टर कितनी देर चलेगा, जो मैं लिखता था उसके मैंने 123 नावल लिखे हैं, लेकिन उसकी बेसिक कहानी एक ही होती थी सारे नावलों। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो मर्डर मिस्ट्री का बेसिक फॉर्मेट है, चाहे वो इंग्लैंड में लिखी जाए, चाहे अमेरिका में लिखे जाए, चाहे आथा क्रिस्टी लिखे, चाहे अल स्टेनले गार्नर लिखे, चाहे एस एम पाठक लिखे, उसका बेसिक फॉर्मेट एक ही है। तो सुनिए क्या है, एक मर्डर होता है, उसके 5-6 सस्पेक्ट हैं, एक कोई हीरो है, वो इंस्पेक्टर हो, CID ऑफिसर हो, मेरे हीरो की तरह रिपोर्टर हो, ये जुदा मसला है। बस एक रीडर है जिसके पास जिम्मेदारी है डिडक्शन की, कि ये पता लगे कि मर्डरर कौन है, और वो बाई मेथड ऑफ एलिमिनेशन एक एक को चेक करता है और उसको पता लगता है कि इनमें से ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो फिर कोई तो होगा ही ना जब ये सस्पेक्ट है। तो उसके बाद कोई एक स्पेक्टेकुलर एंडिंग में वो कहते पकड़ के उंगली उसको पॉइंट आउट करते हैं इसने कत्ल किया है। यही स्टोरी है सारी दुनिया की मिस्ट्री की, उसकी टेकिंग, उसका स्टाइल ऑफ डीलिंग डिफरेंट है, लेकिन बेसिस यही है। मर्डर मिस्ट्री, नाम ही मर्डर मिस्ट्री है तो मर्डर बिना तो नहीं चल सकती ना, या कत्ल होगा तो कोई कातिल भी होगा। अब कातिल एक ही हो और हीरो उसको जाके उसके कंधे पर हाथ रख दे कि तू कातिल है तो कौन पड़ेगा। तो हमारी मर्जी ये होती है कि 6 सस्पेक्ट हो, 6 सस्पेक्ट हो जी, और वो रीडर फैसला ना कर सके भी कौन होगा कौन होगा, यही उस सुखता है जो उसे सिरे तक ले जाती है। जासूसी नावल की ये खूबसूरती होती है कि एक बार आप शुरू कर दें तो छोड़ नहीं सकते फिर। कई ऐसे टाइप के नावल मैंने पढ़े, आप 20 से पढ़ना शुरू कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिस्ट्री की बिगिनिंग आपको नहीं पता है तो एंड तक आपका पहुंचना बेमानी है। और अगर एक बार आपने किसी एक्सपीरियंस्ड मिस्ट्री राइटर का नावल थाम लिया तो ये हो ही नहीं सकता कि आप उसे बीच में छोड़ दें। तो ये कुछ प्लस पॉइंट है राइटिंग के, कुछ हैंडीकैप्स भी हैं। हैंडीकैप्स भी है कि रेपिटेशन बहुत है मेरे टाइप के लेखन में, रेपिटेशन बहुत है, और उस रेपिटेशन से बचने के लिए ही मैंने विमल का करेक्टर खड़ा किया था, कि ये बिल्कुल किसी से नहीं मिलता, मेरे अपने लिखे से तो मिलता ही नहीं है, ट्रेड के बाकी राइटरों में से भी किसी से नहीं मिलता। फिर धीरे धीरे उसकी ऐसी डेवलपमेंट हुई कि लोगों की सिंपथी जागने लग गई उसके साथ, सारे हमदर्द हो गए, पुलिस वाले हमदर्द हो गए,
इतनी व्यापक स्टोरी, 15,000 पेजेस की स्टोरी है, तो इसने कई जी करवटें बदली, कई करवटें बदली। जेल सजा हो गई, पैसे के चक्कर में पैसा उसने चुराया नहीं था, फिर भी सजा हो जी गई। जेल से भागा तो इसलिए कि जेल में आग लग गई, सारे भाग रहे थे। भले इस किस्म के उसके हालात ऐसे बने, कि वो उसको उधर ही धकेलते थे जिधर वो नहीं जाना चाहता था। आज तक ये बात उसके किरदार में खरी है कि उसको हालात उधर ही धकेलते हैं जिधर वो कदम भी नहीं रखना चाहता, लेकिन जब वक्त आता है तो वो उधर ही चल रहा होता है। ये पसंद आ गई लोगों को, बात नई टाइप की सिलसिला था। और इसकी बड़ी बात मैं ये बताता हूँ कि जिस वक्त ये पहले विमल सीरीज पॉपुलर हुई थी, विमल पॉपुलर हुआ था, उस वक्त के सारे राइटर विमल के फॉर्मेट को नकल मार के नावल लिखने लगे। उन पब्लिशर उनको कहते थे भाई ये विमल जैसा लिखो, एस एम पाठक जैसा लिखो, कोर्स की किताबों की तरह मेरी किताबें पढ़े और फिर ऐसा लिखे। हाँ, इतनी तक पॉपुलर आज भी है, तीनों सीरीज में, सुधीर, सुनील और विमल सीरीज में, इनमें से सबसे फेवरेट आपका कौन सा सीरीज है? देखो जी, फेवरेट तो सुनील ही है, लेकिन यश विमल से पाया, जो मेरे को किसी मुकाम पे पहुंचाया किसी राइटिंग ने, जिसकी वजह से मैं आने वाली जनरेशन में भी जाना जाऊंगा, वो विमल ही है। मैंने, मेरा फेवरेट सुनील ना होता तो मैंने 123 नावल ना लिखे होते उसके। जिस वक्त सुनील में लिखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत आसान काम है ये नावल लिखना, ये तो मैं अपने आप को ही डिस्क्राइब कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है, कर लो। लेकिन विमल के लिए बहुत पैंतरेबाजी, बहुत समझती है, कई बार दूसरे से नॉलेज गेन करनी पड़ती है, भाई ये कहीं मैं गलत तो नहीं लिख रहा, उसमें मेहनत बहुत ज्यादा करती है। लेकिन जो मैंने, मेरी अपनी पसंद का लेखन है वो सुनील ही है। इसके अलावा आपका फेवरेट उपन्यास कौन सा है? फेवरेट कहना तो मुश्किल है ना, माँ के साथ बच्चे हो तो वो कहती है फेवरेट कौन है उसका। कोई नहीं सही। मैं जैसे मीना मर्डर केस बहुत चला, मेरी जान के दुश्मन बहुत चला, तो कुछ ऐसे नावल हैं जो हाउस होल्ड नेम बन गए थे, उनको मैं अपना फेवरेट तो बताऊंगा तो गलत बयान ही होगी। मैंने तो कभी इस निगाह से सोचा ही नहीं कि जो मैंने लिखा है इनमें से मेरा फेवरेट कौन है, ये क्या है। मैं तो यही समझता हूँ कि मैंने जो लिखा है वो पहले से बेहतर नहीं है, तो पहले जैसा यकीनन है पहले से खराब नहीं है, इसलिए फेवरेट कहना मुश्किल है। दिवाली की रात है, और भी नावल नाम है याद नहीं आते इस वक्त, लेकिन कोई मेरा कोई ऐसा नावल हो कि मैंने ये निश्चय करके लिखा हो कि ये मैंने एक अलहदा ही कुछ बहुत बढ़िया लिखना है, ऐसी बात नहीं है। इट इज ए जॉब ऑफ वर्क दैट आई डू रिलीजियसली। इसमें फेवरेट का क्या मतलब, घर में खाना बनता है तो सबके लिए बनता है। जासूसी नॉवेल लिखने के साथ साथ हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपने जोक बुक्स लिखा, एक और दो नहीं बल्कि 22 जोक बुक्स लिख लिया, ये कैसे किया? देखो, जोक बुक एक जुदा मसला है, वो प्रोफेशनल नहीं है, कारोबारी काम नहीं है। मेरे को बचपन से जोक का इतना शौक है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी को भी कि कोई मेरे को ऐसा जोक नहीं सुना सकता जो मुझे ना आता हो। तो मेरे को इतने ज्यादा जोक्स आते थे, नौकरी करता था दफ्तर में, हर हर रोज बीच में जो लंच ब्रेक होता था जोक्स की सुनाने वाला सिलसिला लगता था। तो मन में आया कि एक बार इसका संकलन करके देखते हैं, शायद कोई छाप दे। उन दिनों बहुत पब्लिशर थे, बहुत किताबें छपती थी, तो किसी ने छाप दी, कम छापी, नावल जितनी नहीं छापी, लेकिन छाप तो जी। उसके बाद फिर मैंने और ट्राई की, वो भी छप गई, और ट्राई की, वो भी छप गई,
तब तक पढ़ने वालों को भी कुछ लगने लगा कि हम कुछ डिफरेंट पढ़ रहे हैं, ये अकबर बीरबल के जोक्स नहीं है, कुछ और ही टाइप का सिलसिला है। तो वो एक पर्टिकुलर टाइप की रीडरशिप बन गई, जिसकी वजह से मिनिमम तो छपी जाता था, लेकिन छपवाता कब था, जब मेरे पास सही सफिशिएंट जोक हो जाए कि उसकी किताब बन जाए, जब इतने हो जाते थे मैं किताब छपवा लेता था। लेकिन बेसिकली ये अपना शौक पूरा करने वाली बात थी, कोई खराबी नहीं है जोक पढ़ने में। दुनिया में तो इंडस्ट्री है जोक, ऐसे ऐसे पब्लिकेशन हाउस है जो सिर्फ जोक छापते हैं और बुद्धतों से छापते चले आ रहे हैं, उनकी एक एक किताब 50-50 बार रिप्रिंट हो चुकी है। हमारे यहाँ तो इतनी कदर नहीं है जोक्स के। खुशवंत सिंह ने लिखा था कालम में, वी आर नॉट ए फन लविंग नेशन, तो फिर जो फन लविंग नेशन ही नहीं है वो जोक्स की क्या कदर करेगी। आपने इनफैक्ट दो बहुत ही कठिन काम किया, क्राइम नॉवल लिखा और जोक बुक लिखा, जोक्स लिखे, वो दोनों ही बहुत ही कठिन जॉनर्स है लिखने के लिए। जी 2018 में आपकी ऑटोबायोग्राफी भी आई, ना बैरी ना कोई बेगाना, आपकी आत्मकथा। जी मैं कह रहा था अभी 3 वॉल्यूम छपे हैं, चौथा भी आने। 3 वॉल्यूम्स में, इनफैक्ट यही हम अपनी दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि आपकी आत्मकथा पार्टीशन टाइम से शुरू होती है, जिंदगी के लंबे सफर में आपके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव है, आपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। मेरा सवाल है कि ऑटोबायोग्राफी लिखना आसान रहा आपके लिए या जासूसी किताब? मैं बायोग्राफी के बारे में ये कहता हूँ कि आसान मुश्किल नहीं, नामुमकिन रहा। मैंने पब्लिशर को दौड़ तू कहा, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का काम नहीं है, और दूसरे ये भी कहा कि मेरी लाइफ इतनी इवेंटफुल नहीं है कि उसको बायो में समेटा जाए। तो उन दिनों कुछ बायो का एकदम से जोर आया था, ये 2017 के आसपास बहुत बायो छपी थी, ऐसे लोगों की बायो छपी थी जिनकी लाइफ में किसी को कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। तो मेरे पब्लिशर ने, हार्पर कॉलेज ने ऋषि कपूर की बायो छापी थी, उसकी इतनी टेरिफिक रिसेप्शन हुई कि 600 पेज की किताब 70,000 कापी बिक गई, जबकि उनका टारगेट 10,000 कापी का था कि हम 10,000 कापी बेच लें तो हम समझेंगे कि हमारा ये मिशन अकम्प्लिश्ड। तो उन्होंने मेरे को कहा बायो लिखो, मैंने कहा पागल हुए हो, मैं बायो लिखूं, मैं कौन होता हूँ इस काबिल, बड़े लोगों की बातें हैं, मैं हाँ कोई नेता हो, कोई कुछ हो, जो फिल्म स्टार हो, कोई हो। वो बोले नहीं, आजकल चलता है, आप भी नेशनल सेलिब्रिटी हो, लोग पसंद करेंगे। मैंने कहा मैं लिख भी तो नहीं सकता ना, चलो पसंद करेंगे, मेरे बस का भी तो नहीं है। उन्होंने जिद जारी रख दिया, अभी कोशिश करो, देखो हो जाएगी, वी ट्रीट यू डिफरेंटली फॉर दी बायो। ये भी हिंट दिया कि अगर लिख लोगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो मैंने ये कह के लिखना शुरू किया कि मैं शुरू करता हूँ, अब मेरे को गारंटी है कि मैं 50 पेजेस से ज्यादा नहीं लिख सकूंगा, तो उसके बाद मैं हाथ खड़े कर देना, मेरे बस का नहीं है, आप प्रोजेक्ट ड्रॉप कर देना। वो मान लिया उन्होंने, वो कहा चलो तू 50 पेजेस तो लिखो, देखते हैं आगे क्या होता है। जब मैंने 50 पेजेस लिखने शुरू किए तो ऐसा रिदम बना, आई रोट 1200 पेजेस इन वन सिटिंग, ढाई महीने में मैंने 1200 पेज के इक्विलेंट मैटर नॉन स्टॉप लिख दिए, जिसके छपने में तो 3 साल लगे, लेकिन लिखने में मेरे को 3 महीने लगे थे। तो बीच में पब्लिशर से अनबन हो गई, कुछ और रीजंस बन गए, लेकिन बायो के बारे में जो मेरा ओरिजिनल ख्याल था वो बिल्कुल ध्वस्त हो गया कि मैं नहीं लिख सकता, पैसे भी नावल से बहुत ज्यादा मिले, मतलब मेहनत नाकाम नहीं रही, खुशी की बात है, नहीं तो मेरे किस काम थे ना छापते। वो पढ़ के कह देते बेकार है, इवेंटफुल नहीं है, तो मैं तो दूसरी जगह तो ले जाने वाला नहीं था, जिसने मेरे को कहा था तो उसी से बात थी। अरे एक छोटी सी बात और करना चाहता हूँ मैं, जैसे मैंने कहा कि उस वक्त बायो बहुत छपती थी, तो जब मेरे को ये प्राप्त किया गया कि मैं बायो लिखूँ,
तो बाजार में जितनी रीसेंट बायोग्राफी अवेलेबल थी मैं सारी खरीद के ले आया कि मैं पढ़ता हूँ, इनसे सीखता हूँ ये कैसे लिखते हैं, फिर मेरी समझ में भी आ जाएगा, फिर मैं भी शुरू कर दूंगा। कोई 12-13 किताबें बहुत महंगी, 7-7, 8-8 सौ रुपए की, बड़े राइटरों की, नॉन राइटरों की लेके आ गया मैं। फिर बाद में मेरे मन में ख्याल आया कि जो मुझे सूझता है वो तो शुरू करूं, बाद में फिर मैं अपना उससे सीखने की भी कोशिश करूंगा लोग कैसे लिखते हैं। मैंने 3 वॉल्यूम लिख चुकने तक मैंने एक भी बायो नहीं पढ़ी, खोली नहीं, खोली नहीं। और क्या आज भी आप हाथ से ही लिखते हैं या टाइप करते हैं जब आप कहानी लिखते हैं? या हाथ से लिखता हूँ जी, और हाथ से भी ऐसा लिखता हूँ, बॉल पेन से नहीं लिखता, फाउंटेन पेन में काली स्याही भर के लिखता हूँ। अच्छा, फाउंटेन पेन में काली इंक भर के लिखता हूँ, अगर उस पेज पे पानी का छींटा पड़ जाए तो सारे वर्ड बह जाएंगे। जी आई नो, इनफैक्ट वही कहना चाह रहे थे। परमानेंट इंक नहीं होती, लेकिन मेरा दिल उसी में लगता है लिखने में। फाउंटेन पेन से लिखना है, स्याही से लिखना है, बाल पेन से नहीं लिखना। कि छोटा मोटा काम हो बाल पेन से, लेकिन नावल लिखना है या कोई भी छपने के लिए कुछ लिखना है वो मैं फाउंटेन पेन से आज भी लिखता हूँ, आज भी लिखता। ये तो बहुत अप्रिशिएट करने की बात है सुरेंद्र मोहन जी की, इस उम्र में भी आप, जैसा कि आपने कहा ऑटोबायोग्राफी 1200 पेज आपने हाथ से लिख डाले। एक हैंडीकैप भी है, आजकल पब्लिशर कई बार मना कर देते हैं ये टाइप इसको टाइप करा के लाओ तो, लेकिन अब मेरी अच्छी अच्छी हैसियत हो गई है ट्रेड में, मेरे को कोई नहीं कहता, लेकिन वो खुद कराते हैं, खर्चा करते हैं, प्रूफ पढ़वाते हैं, उस वजह से बुक छपने में टाइम लगा देती है कहीं भी, लेकिन फिलहाल जिद बरकरार है कि, और वो लिखना भी ऐसा है पर्टिकुलर ब्रांड के पेपर पर, पर्टिकुलर साइज के पेपर पर लिखने, ये भी जरूरी है। जी 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 एक सवाल ये था कि एक समय था जब पब्लिशर्स घोस्ट राइटर्स को बहुत प्रमोट करते थे, तो कभी आपने घोस्ट राइटिंग किया या घोस्ट राइटिंग से क्या मुश्किल का सामना करना पड़ा? जैसा मैं लिखता हूँ तो किसी की समझ नहीं आता तो नकल कैसे मारेगा। घोस्ट राइटर तो उसका बनता है जिसका लिखना उसकी समझ में आए कि ऐसा ही हम भी लिखते हैं, मेरा लिखा तो किसी की समझ में ही नहीं आता। यू हैव टू बी एन एजुकेटेड पर्सन टू राइट लाइक मी, मतलब बड़ा बोल बोलने वाली बात है। हमारे ट्रेड में शिक्षा का बहुत अभाव है, ये पल्प 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 वाली जो ट्रेड है शिक्षा का बहुत अभाव है। नलायक नलायक राइटर है, अनपढ़ पब्लिशर है, इसी वजह से बेड़ा गर्क हुआ ट्रेड का। अब सारे इतने बड़े नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में पागड़ बुक का एक भी पब्लिशर बाकी नहीं है, सब खत्म हो गए। अब पागड़ बुक छपती नहीं, जो ट्रेडिशनल पागड़ बुक थे जो रिसाइकल्ड पेपर पर छपते थे वो अब नहीं छपती। अब जब छपना ही मुश्किल हो गया है तो नकल कौन मारेगा? घोस्ट राइटर 90s में चलते थे, उस टाइम में 70-80 चले हुए राइटर थे, पैसे मांगते थे बहुत बहुत ज्यादा, इसी वजह से कि हम चले हुए राइटर हैं, हमें एडवांटेज होनी चाहिए कि हमने मेहनत से अपना नाम खड़ा किया है। तो पब्लिशर कहता था कि घोस्ट राइटर चला लो, पब्लिसिटी से चला लो। घोस्ट राइटिंग भी तो किसी राइटर ने ही करनी है ना, उस राइटर को कुछ तो आता ही होगा ना, तभी तो लिखेगा ना। लेकिन घोस्ट राइटिंग से पब्लिशर को यह फायदा है कि उसको एक ही बार पैसा देना पड़ता है, बार बार नहीं देना पड़ता है। SM पाठक को बार बार पैसा देना पड़ता है। तो 90s में 80s में हर पब्लिशर ने 3-3, 4-4 घोस्ट राइटर बनाए हुए थे और एक आध को छोड़ के कोई नहीं चला, कोई नहीं चला। इसी वजह से कि जो निष्ठा राइटर की अपने लेखन के साथ होती है वो घोस्ट राइटर की तो नहीं होगी ना। वो एक कहानी लिखेगा, नावल लिखेगा, पब्लिशर को दे देगा, वो छपेगा किसी और के नाम से,
तो फिर उसकी बला से वो चले या ना चले, हम तो बला से नहीं कह सकते ना, हमें तो बुखार चढ़ जाएगा कोई कह दे कि भाई नावल चला नहीं तुम्हारा, आगे से ऑनटोज हो, उनको कोई परवाह नहीं है, ना चले, चले जाए तो हमारी तारीफ नहीं होनी, ना चले तो हमारे को तू ये कोई किसी ने कोसना नहीं है, तो हमारी बला से पैसे। और कई गोस्ट राइटर तो ऐसे हुए हैं जो खुद लिखते तो कम पैसे मिलते थे, गोस्ट राइटिंग में उनको ज्यादा ऑफर होती थी। बस एक दौर था, एक ट्रेड था, दीवानगी थी अनपढ़ पब्लिशरों की कि हम अपने राइटर खड़े खड़े करें तो जो जेन्युइन राइटर है ये बेरोजगार हो जाएंगे, इनको छापेगा ही कोई नहीं। उनकी ख्वाहिश पूरी तो नहीं हुई, लेकिन ख्वाहिश को पूरी करने में जोर बहुत लगाया, साबन की तरह पब्लिसिटी की अपने घोस्ट नेम की, कि लोगों के दिमाग में बजे वो मार्केट में जाके कहें भी फलाने का नावल चाहिए, लेकिन कोई कोई कर्तव्य काम नहीं आया, कोई कर्तव्य। आखिर में उन्हीं के जाप द्वारे जाना पड़ा जिनको वो छापते नहीं थे, ये कह के भी हम अपने राइटर सपोर्ट करना चाहते, उन्हीं के द्वारे जाना पड़ा। घोस्ट राइटिंग तो 90s में ही चली, उसके बाद नहीं चली, बंद हो गई। पब्लिशरों को राइटर भी नहीं मिलता था जो अपना नाम सरेंडर करके उनके लिए लिखे, राइटर भी उन दिनों मिलना मुश्किल होता था, लेकिन 90s-80s में आम मिलते थे, आम मिलते। देख रहे हैं स्क्रीन में कि बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं। गरिमा, ओवर टू यू। जी, इतने शानदार सत्र को ऐसा लग रहा है कि हम बात करते ही रहें, सुरेंद्र मोहन जी आपको हम सुनते ही रहें, और साथ ही हमारे पास में क्वेश्चंस भी बहुत आ गए हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन ले रही हूँ, ये है सत्यभामा जी का। ये पूछती हैं आपसे कि आपकी कहानी में कहीं ना कहीं कुछ सत्यता भी होती है क्या? समाज में घटने वाले अपराध से भी कहानी के प्लॉट मिलते होंगे? हाँ, होता है, सबके साथ होता है, नहीं तो इतनी कहानियां कहाँ से आएंगी, और जो रेपुटेशन का एग्जाम आता है राइटर पे, उससे वो बरी कैसे होगा? देखो ना, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें 100 तरह की वारदात होती है जो आपके काम आने वाली, 1, 2, 4, 10 तो होंगी ना। आजकल हमारी सोसाइटी इतनी क्रिमिनल माइंडेड हो गई है कि रोज तो खून खराबे की, बैंक डकैती की, बलात्कार की खबरें आती हैं, तो इसी अच्छी सप्लाई लाइन राइटर के लिए और क्या हो सकती है? निर्भया कांड पे कितने ही राइटरों ने नावल लिख दिया, तो ये सुविधा तो मानते ही है ना लोग इसको, लेकिन उसके लिए आप कान खुले रखने पड़ते हैं। आपको अगर पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, तो फिर ये बात जो अभी किसी ने पूछी है वो फिर लागू नहीं होती, यू हैव टू रिमेन अलर्ट एवरी टाइम अपने किसी टाइप काम के आइटम के लिए। आप अलगर्ज नहीं हो सकते, जब ये एक ऐसी साइकिल है, एक बार राइटर का नाम हो जाए वो ढेर लिख लेना, वो इससे छुटकारा नहीं पा सकता। 24 घंटे वो यही सोचता है आगे क्या लिखूं, रात के 2 बजे नींद खुलती है वो यही सोचता है आगे क्या लिखूं। तो ये कॉमन अकरेंस है, तो अगर कोई दूसरा इतना इन्वॉल्व है तो वेलकम है, नहीं तो जो इतना इन्वॉल्व नहीं है वो लंबा नहीं चल सकता। जी, बिल्कुल सही सर। एक क्वेश्चन और है हमारे साथ में, विशाल सक्सेना जी का। इन्होंने लिखा है, आपको ग्रीटिंग दी है, सर प्रणाम, गैंग ऑफ फोर कब तक आ रही है? भाई, गैंग ऑफ फोर कोविड की वजह से फंसा हुआ है, इतने बड़े इंटरनेशनल पब्लिशर ने छापने हैं, पेंगुइन ने, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से पहले उन्होंने सितंबर अनाउंस किया था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो सकता। अब वो कहते हैं, ये विकास जी के लिए खास तौर से कह रहा हूँ, कि नवंबर में जरूर आएगा, ओके सर। चंद्रधर मिश्रा जी का आपसे सवाल है कि मैं पिछले 35 सालों से पाठक जी की पुस्तकें पढ़ रहा हूँ और आपसे प्रेरित होकर खुद भी थोड़ा लिखता हूँ और जानता हूँ कि एक नॉवेल लिखने में कितनी मेहनत लगती है, तो इतनी किताबें लिखने की हिम्मत आप कहाँ से लेके आते हैं सर? भाई, ऊपर वाला मेहरबान है।
हाथ पांव साथ देते हैं, दिमाग साथ देता है, तंदुरुस्ती साथ देती है, तो क्या प्रॉब्लम है? तो क्या जी प्रॉब्लम है? लोग नौकरी करते हैं 10 से 6 बजे, 8 घंटे के। मैं एक दूसरी नौकरी करता हूँ, नावल लिखने के, 15 घंटे काम करना पड़ता है। अब ये सारे तो कर सकते ना 15 घंटे काम। जी प्रेजेंटली मैं 82 साल का हूँ, फिर भी 5-6 घंटे मिनिमम लिखता हूँ रोज। अच्छा जब कोरोना से पहले तो 8 घंटे लिखता था। तो ये अपनी मर्जी है, मर्जी है। आप चाहते हैं कुछ हो तो हो जाएगा, नहीं तो वो आप मेंटली भी तैयार नहीं है उसके लिए, तो कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही सर। और हमें भी वो जज्बा चाहिए आपसे, वो एनर्जी चाहिए कि हम भी आपके इस उम्र में हम भी आपके जैसा कुछ थोड़ा बहुत भी हम कर पाए। जी वेलकम वेलकम। जी विशे सिन्हा जी आपसे पूछती हैं कि आपने 300 से अधिक किताबें लिखी हैं, किसी महिला किरदार को केंद्रीय या मुख्य पात्र के रूप में देखने की हम उम्मीद कब तक करें? किसके साथ लिखने के लिए? नहीं जी नहीं मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ उसका मैं जवाब देता हूँ। मैं समझ गया आपकी बात। देखो, अब नया कैरेक्टर बनाना जो है ना, वो इसलिए ठीक नहीं होगा कि जो मैंने बनाए हैं मैं उससे भी जाऊंगा। देखो ना, जो काम आपको आता है उसको आप ठीक से कर रहे हैं, उसी को करते रहे तो एक पर्टिकुलर रूम में जाके ये बात बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब ये नया काम सीखने की उम्र नहीं है। और दूसरे फीमेल कैरेक्टर को मैं मिस्ट्री राइटर किस बेस पे बनाऊं? मेरा ज्ञान तो 0 है इस मामले में, फीमेल कैरेक्टर वाली। मेरे को और पब्लिशरों ने भी कहा है, राइटर पे रीडरों ने तो कहा है, रीडर की डिमांड जो होती है ना वो प्रैक्टिकल नहीं होती। देव इशू टाल ऑर्डर्स, आप मंगल ग्रह पे नावल क्यों नहीं लिखते हैं? मैं इसका क्या जवाब दूं? क्यों करो, तो मंगल ग्रह पे ले जाओ, वहां दिखाओ कैसे जिंदगी चलती है, तो लिख लेंगे। तो फीमेल कैरेक्टर में एक ही जवाब दे सकता हूँ कि मेरे स्कोप ऑफ राइटिंग से बाहर है, बाहर है। जी जी सर। प्रभात जी ने पूछा है आपसे, लेखक की पुस्तक धब्बा के बारे में वेब सीरीज मिर्जापुर 2 में गलत बयानबाजी की गई थी, जिसके बाद नोटिस भी भेजा गया है। ऐसा क्यों होता है जब तथ्य को तोड़ मरोड़ कर परोस पेश करते हैं? नहीं, कारोबार है, कोई बाज नहीं आता तो कैसे करें उसको? ये तो कारोबार है ना, तोड़ मरोड़ के पेश करना भी तो कारोबार है। अब आप देखिए, जो ये आजकल के वो है मीडिया का स्टाइल, बात वो हैंडल करने का, न्यूज को सेंसेशनल है, छोटी मोटी बात को ऐसा वो ब्रॉडकास्ट का हवा बना के करेंगे कि लोग चमत्कार में आ जाएंगे। तो माई जी जॉब इज नॉट टू एक्साइट एंड टिटिलेट माई रीडर्स। ये देखो ना, मैं कोई वो मदारी तो नहीं हूं ना, जी ड्रामेबाज तो वाले काम तो नहीं करना ना। तो इस किस्म की बातें जो है ना, तोड़ मरोड़ या इस किस्म की बातें, ये इंडिविजुअल की मर्जी पर निर्भर करती है। कोई बहुत ज्यादा करता है तो फिर भुगतता है, भुगतता है। थोड़ा बहुत लोग आजकल इग्नोर करने का रिवाज है। देखो, ये बड़े बड़े नेता हैं, इनके खिलाफ बहुत बातें ऐसी कही जाती हैं जिनको डेरोगेटरी कहा जा सकता है, कि ये इनकी इंसल्ट है, नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन वो थोड़े की ये नहीं रिएक्ट करते, वो कहते कहते कारोबार है, किस किस का जुबान पकड़ोगे। ठीक है, जी तो ये बात इसमें भी लागू होती है, लागू होती है। तो अच्छा है, बिल्कुल। सबका फायदा है, कोई ज्यादा ना उछाले बात। इतने शानदार सत्र के बाद में मुझे लगता है कि अब हम अपने इस सत्र के अंतिम पड़ाव की ओर हैं, और जिसमें मैं आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का आभार व्यक्त करती हूं कि आप सभी ने इस खूबसूरत शाम को सुना हमारे साथ में, और साथ ही आज के हमारे जो अतिथि हैं, मुख्य अतिथि जी हैं, और जो जासूसी के सम्राट, जासूसी कहानियों के सम्राट हैं, उनका, सुरेंद्र मोहन पाठक जी का और अन्विता प्रधान जी का, मैं
हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप दोनों की इस बातचीत ने इस सत्र को और भी यादगार और सुंदर बना दिया। साथ ही हम अपने प्रायोजक श्री सीमेंट के भी सादर आभारी है। आभारी बहुत अच्छा कंडक्ट किया, बहुत अच्छा कंडक्ट किया, मेरे को खुशी हुई शामिल हो। धन्यवाद गरिमा एंड सुरेंद्र मोहन जी, हम भी आपको ये धन्यवाद देना चाहेंगे। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और हम सभी की यही दुआ है कि आप हेल्दी रहे, खूब लिखे और आपसे अब अगली बार हम एक फिजिकल सेशन में मिले। धन्यवाद सुरेंद्र मोहन जी। Thank you.